गाइस ड्रोन शॉट देख लिया आपने चीचम ब्रिज के, पर क्या हुआ ना कि बारिश शुरू हो गई है एकदम से। हो तो हल्की रही है बट फिर हम लोग निकल गए क्योंकि अभी हम यहाँ से सोच रहे हैं किबर जाएंगे, फिर की मोनेस्ट्री, फिर वापस काजा। तो मज़ा आया होगा आई होप। सांस फूलता है यहाँ पे यार जल्दी जल्दी बोलने में। फोटोग्राफ हमने काफ़ी सारी खींची है यहाँ पे और अब हम जा रहे हैं किबर विलेज। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, मैं कभी नहीं गया हूँ किबर, ठीक है दो बार आया हूँ पर कभी नहीं गया हूँ। चीचम ब्रिज एक्चुअल में आप लोगों को देखने को मिला होगा ड्रोन व्यू में कि कैसा दिखता है, क्या नज़ारा है वहाँ का, ठीक है। वैसे ब्लॉग्स में तो पहले दो बार आपको दिखा चुका हूँ और इस बार ड्रोन में भी देख लेना। चलो बाकी देखो सामने मौसम बारिश वाला ही है पूरा। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं ना, ये सब घर बने हुए इतने सारे, ये विलेज है किबर काजा के अंदर, स्पीति वैली के अंदर ये किबर विलेज है। और ये यहाँ का देखो एक वेलनेस सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और बाकी देखो घर सब एक जैसे बने हुए हैं। और शायद रास्ता वहाँ से जाएगा वापस की मोनेस्ट्री की तरफ। अभी पूछते हैं किसी से, एक भाई साहब खड़े हैं वहाँ पे, उनसे पूछ के फिर चलते हैं। तो आप लोगों को दिखाना था एक बार किबर कैसा दिखता है राजन ब्लॉग्स की वीडियो में, देख लीजिए ये है किबर का नज़ारा। और हमारी गाड़ी भैया फुल ऑफ रोडिंग वाली हो चुकी है, देख रहे हो मिट्टी कहाँ तक है इस पर, ये देखो कितनी मिट्टी है। धुलेगी, सर्विस होगी इसकी, पता नहीं क्या क्या होगा। गाइस हम लोग पहुंच गए की मोनेस्ट्री। बाकी बातें दृष्टि बताएगी आपको, बताओ बहुत हाइट पे है यार, देख रहे हो नीचे कितना गहरा है, ये देखो वो रोड वहाँ से काजा की तरफ जाता है और हम जा रहे हैं ऊपर। तो गाइज़ अभी हम लोग हैं की मोनेस्ट्री में और देखिए सामने ये पूरी मोनेस्ट्री है। यहाँ पे दलाई लामा जी आए हुए हैं एक बार, तो हम लोग अंदर हैं भी और इसकी परिक्रमा होती है ऐसे करके, तो सभी लोग करेंगे। चलो भाई आगे आ जाओ। ये वाली जो मोनेस्ट्री है ऊपर जो बनी है इसमें अभी हम लोग गए थे, ये तो अभी नई बनी है सन 2000 में। अच्छा, और बाकी जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये और ये वाला, ये हमारे पीछे जो है ये बना है 700-800 साल पुराना है। इससे पहले आगे रंगरिक विलेज थी, वहाँ पे मोनेस्ट्री बनी हुई थी,
तो मंगोलियंस का अटैक हुआ था, तो उसके बाद जो सामान बचा था उसके बाद यहाँ पे आके बनाया गया था, और इस मोनेस्ट्री में अंदर दलाई लामा जी आए हुए हैं एक बार। चलिए चलते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। हाँ एक पुराना टेंपल है हाँ और साथ में मेडिटेशन की अपना अच्छा मेडिटेशन में अगर ध्यान लगाना तो बैठ भी सकते हो रूम में अच्छा ठीक है, पुराने में अब जब क्या बोलते थे तो फोटोज और नहीं वीडियो करेंगे। ठीक है ताकि आप मुझे ऊपर चाय पिलाएंगे तो साथ में वहाँ पे कर सकते हैं ठीक 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 ऊपर बैठे हैं लामा जी ना। अच्छा हाँ पुजारी बैठे हैं अच्छा हम पहली बार मोनेस्ट्री में आए हैं आज, तो मैं वैसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग कौन लोग रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं कि ना 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 अलग रहते हैं, सन्यासी होते हैं सन्यासी मॉन्क्स होते हैं। सन्यासी अच्छा होते मॉन्क्स हैं होते हैं, ओके। हाँ सिर्फ मॉन्क्स ही रहते हैं अच्छा तो मेडिटेशन करते हैं, गुरुकुल जैसे पढ़ाई होते हैं यहाँ अच्छा पर। पढ़ाई होती है। जी हाँ जी तो ये जगह कौन सी है जहाँ पे हम बैठे हैं अभी? ये पुराना किचन है किचन है। हाँ अच्छा यहाँ पे हम विजिटर्स को चाय वगैरह पिलाते हैं। अच्छा विजिटर्स को, हाँ ठीक है ठीक, थैंक यू जी। हाँ तो गाइस अभी हम लोग एक जो मैंने बताया था की मोनेस्ट्री के अंदर बैठे हैं, और ये इनकी किचन है, यहाँ पे हम लोग चाय पी रहे हैं। देखो ये चाय हमें यहाँ पे मिली है, तो काफ़ी अच्छी है, बिना दूध की चाय है और बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। बच्चों को पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रही है, पकड़ो। यानू को पसंद है, अरे मेरा बच्चा यानू तो बहुत अच्छी है, देखा। तो ये किचन है गाइस, देखो यहाँ पे इनकी ना। तो ये कुछ अलग चीज़ है जो आप लोगों को देखने को मिल रही होगी इस बार, क्योंकि मैं पहले कभी आपको किसी मोनेस्ट्री के इस तरह से अंदर से इनसाइड व्यू नहीं दिखाया है। खैर मुझे भी नहीं पता था कि मोनेस्ट्री के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो अभी मैंने इसलिए उनसे पूछा। और ये जो स्ट्रक्चर है ना जो अभी आप लोग देख रहे हैं हमारे पीछे, ये लगभग 700 साल पुराना बना हुआ है जिसमें हम लोग बैठे हैं अभी। तो ये जो बौद्ध धर्म है सदियों पुराना है, ये आज मुझे पता लगा कि 2600 साल पुराना धर्म है। जानने को मिलती हैं सब चीज़ें, बच्चों को भी ज्ञान मिल रहा है मेरे साथ साथ। देखा था कभी ऐसा ये सब कुछ? नहीं ना, अच्छा लगा। चलो चलो गाइज अभी हम लोग ना बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं की मोनेस्ट्री के, और देखो पूरा नीचे पूरी वैली का नज़ारा यहाँ से दिख रहा होगा आपको। अभी हम लोग जो लास्ट मिले थे वो वहाँ पे थे नीचे, उसके बाद इस तरफ गए थे हम। तो आओ बेटा आ जाओ इस तरफ आ जाओ। तो गाइज ये ऊपर की साइड में भी दो टेम्पल बने हुए हैं, इनके भी अंदर हम लोग गए थे अभी। बहुत पुराना है सब कुछ, देखने को मिल रहा है कुछ, सीखने को मिल रहा है। देखो बिल्कुल टॉप पे हम लोग, चलो अब नीचे चलते हैं। हम लोग निकल रहे हैं काजा से, ठीक है। शायद हम लोग ताबो में रुके या फिर देखेंगे मुदबिले जाएंगे कि नहीं, सब पता लगेगा अभी धीरे धीरे। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से निकल गए हैं, सामान सारा ले लिया है घूम के आने के बाद जो लास्ट की मोनेस्ट्री में गए थे, उसके बाद सारा सामान हमने पैक कर लिया अपना गाड़ी में और अब निकल गए हैं फाइनली, ठीक है। तो बाकी सब बढ़िया है, जो अब होगा आगे आप देख लेना। लो मिलते हैं फिर दोबारा थोड़ी देर में, अपडेट मिलेगा आपको कि कहाँ जा रहे हैं अब हम। गाइज काजा से हम लोग लगभग आ चुके हैं, कितना 10-12 किलोमीटर आ चुके हैं, और देखो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मुद विलेज के लिए रास्ता है जो कि जा रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड से,
ठीक है, तो पिन वैली में पड़ता है ये मुद विलेज, और यहाँ से 34 किलोमीटर है। अगर सीधे जाएंगे तो ताबू आ जाएगा, और हम लोग मुड़ रहे हैं लेफ्ट। ये ब्रिज है देखो, पहचान है मुद की तरफ जाने की, और ये स्पीति रिवर हम क्रॉस करते हुए मुद विलेज की तरफ जा रहे हैं। तो हमने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि हम लोग मुद में स्टे करेंगे आज रात को, क्योंकि हम पहले कभी नहीं गए हैं। मैं भी नहीं गया हूँ, दो बार आया हूँ स्पीति, पर मैं मुद नहीं गया हूँ कभी, ठीक है ना। तो आज जा रहे हैं। अब जैसे सुना है कि रोड ख़राब है थोड़ा सा, तो देखी जाएगी जो भी है फिर, रोड जैसा होगा तो अब जाना है तो जाना है। कुछ डिफरेंट तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इस बार भी। और ऐसा यहाँ पे गाइस बोर्ड पे लिखा है कि पिन वैली का ये मुद विलेज है जो यहाँ के नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए फेमस है, और साथ में यहाँ पे कलरफुल स्टोन्स मिलते हैं, ऐसा लिखा था। बाकी जाके देखेंगे कि क्या है नज़ारे। अब भाई सब अलग ही नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से, वैसे साइड रोड भी कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, अलग ही व्यू है। चलो चलते हैं, मिलते रहेंगे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर में, धीरे धीरे। गुड इवनिंग, और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मुद विलेज। मैं अपनी लाइफ में पहली बार मुद विलेज आया हूं, और ये मेरा परिवार भी पहली बार ही आया है। वैली बहुत अच्छी है, विलेज ठीक ठाक है, और ये हमारा होम स्टे का रूम है, गेस्ट हाउस का रूम है, एक्चुअल में तारा गेस्ट हाउस है इसका नाम। थोड़ा स्पेस यहाँ पर भी, बैठ जाओ या एक बंदा सो जाए। ये डबल बेड है, बैठे हैं बच्चे, खेल रहे हैं अपने दोनों। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। एक गेस्ट हाउस हमने इसके सामने भी देखा था, आईबेक्स के नाम से था, बट उसका रूम थोड़ा सा कोजी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था ठंड लगेगी वहाँ पे रात को। ये थोड़ा कोजी है, और ये वही पुराना मड स्टाइल में बना हुआ है, कि वो मिट्टी की छत है, ऊपर वो सब रखा हुआ है। बाहर से बाद में दिखा दूँगा रात को एक बार। सामने गाड़ी पार्क कर दी है, अभी भूख लगी है। हमने फ्राइड राइस और नूडल्स, वेज नूडल्स ऑर्डर किए हैं, देखो आते हैं तो खाएँगे। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे फिर दोबारा मिलेंगे आपसे। थक गए हैं सब? हाँ थक तो गए हो। गाइस क्या है ना, जिस कट से आपको रास्ता दिखाया था ना, रास्ता पूरा ऑफ रोड है एक तरह से, 34 किलोमीटर था वहाँ से मुद, पूरा रास्ता ख़राब है। अब क्या है कि सुबह से ख़राब रास्ता, पूरा लांगजा वांगजा सब जगह, ज़्यादातर ख़राब रास्ते पे चला के गाड़ी ना पूरी बॉडी टायर्ड हो जाती है, तो वही है बस। बाकी और तो मुझे कुछ लगता नहीं कुछ खास है। व्यू देख लो, हाँ यार व्यू तो दिखाया नहीं मैंने आपको यहाँ से, ये व्यू है गाइस। बहुत सुंदर वैली है वैसे, बीच में नदी आ रही है, नदी का नाम मुझे पता नहीं है। सुबह आप लोगों को ना एक बार यहाँ से मॉर्निंग में छत पे जाके ना ड्रोन व्यू दिखाएंगे पूरी वैली का, पूरे मुद विलेज का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या लोकेशन है ये, है ना। चलो दोबारा मिलते हैं, ठीक है सब? थके हुए लग रहे हो सब, है ना, ख़राब था, थक जाते हैं यार ख़राब रास्ते पे। हाँ जी अनु जी, क्या हाल है जी, कुछ बोलोगे नहीं क्या? आज ना यानू हमारी गिर गई गेस्ट हाउस से ना उतरते हुए, तो इसको यहाँ पे लग गई सिर पे, है ना बेटा, सीढ़ियों से गिर गई। चलो बाय।